वेलकम क्लास 7 जेएनवी पिथौरागढ़। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 11.4 का क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड्स आज हम करेंगे पेरीमीटर एंड एरिया चैप्टर का। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। प्रज्ञा रैप्ड अ कॉर्ड अराउंड अ सर्कुलर पाइप ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर रेडियस के एक पाइप के चारों ओर उसने एक रस्सी को लपेटा। कॉर्ड मतलब रस्सी को लपेटा एंड कट ऑफ द लेंथ ऑफ द रिक्वायर्ड कॉर्ड। क्या किया है? ये सपोज इसकी कॉर्ड थी यहां तक, जो है यहां से यहां तक जो है उसने रस्सी लपेटी, बाकी की ये जो रस्सी है ये उसने कट कर दी। मान लीजिए ये वाली क्या कर दी, उसने कट कर दी। ठीक हो गया। तो अब रस्सी की लंबाई कितनी रह गई फिर बच्चों? रस्सी की लंबाई केवल उस सर्कमफ्रेंस, इस सर्कल के चारों ओर है ना, तो इस सर्कमफ्रेंस के बराबर लंबाई की कॉर्ड रह गई। ओके, फिर उसने उस कॉर्ड को निकाला और 4 सेंटीमीटर साइड के एक स्क्वायर के चारों तरफ लपेटा। अब ये पूछता है कि क्या ये जो रस्सी काटी ये इसको पूरा ढक पा रहा है, यानी कि क्या उस रस्सी की लंबाई, रस्सी की लंबाई कैसे मिलेगी? रस्सी की लंबाई हमें मिलेगी इसकी सरकमफ्रेंस के बराबर, है ना। रस्सी की लंबाई क्या होगी? सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगी। तो अब आप यहाँ पे क्या कर लीजिए, यहाँ पर आप स्क्वायर का पेरीमीटर निकालिए, देखिए कि क्या जो लंबाई की रस्सी हमें मिली सर्कल को लपेटने के बाद, क्या उसके बाद भी कोई रस्सी इसमें बचती है। ठीक है, तो ये हमने देखना है। तो पहला काम क्या करेंगे, देखिए आप लिखिए रेडियस ऑफ सर्कल आर इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, साइड ऑफ स्क्वायर है ना, साइड ऑफ स्क्वायर 4 सेंटीमीटर, पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पाइप निकालिए। ठीक है, यहाँ पर पेरीमीटर ना लिखिए बच्चों, सर्कल के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं शब्द, क्या शब्द इस्तेमाल करते हैं? सरकमफेरेंस। क्या शब्द इस्तेमाल होता है? सरकमफेरेंस इस्तेमाल होता है कि नहीं? तो यहाँ पे आप सरकमफेरेंस शब्द डालें। ठीक है, तो सरकमफेरेंस लिखिए आप यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिखें सरकमफेरेंस। ठीक है, चलिए हम पेंट से लिख देते हैं सरकमफेरेंस। क्या लिखेंगे यहाँ पे? सरकमफेरेंस ऑफ सर्कुलर पाइप, CIR CUM, सरकमफ्रेंस मैं शॉर्टकट में लिख दे रहा हूँ, सरकम फ्रेंस। ओके, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर पाइप 2 पाई आर फॉर्मूला होता है ना, 2 × 3.14 × 4। देखिए पाई की वैल्यू 3.14 लेने को बोली है, तो 25.12 सेंटीमीटर की ये लंबाई आई, ये जो रस्सी आई, इस रस्सी की लंबाई क्या है उस पर लपेटने के बाद वो आई 25.12 सेंटीमीटर। तो अब आपने ये देखना है कि क्या इस स्क्वायर का पेरीमीटर 25.12 से ज्यादा है या कम है। अगर कम होगी तो कोई रस्सी नहीं बचेगी, अगर ज्यादा होगा 25.12 इस पेरीमीटर के स्क्वायर से, स्क्वायर के पेरीमीटर से, माफी चाहूंगा, ठीक है, तो हम कहेंगे कोई कॉर्ड बची हुई है। तो आप पेरीमीटर निकाल लीजिए स्क्वायर का, तो 16 सेंटीमीटर की रस्सी काफी होती है इसको लपेटने के लिए, जबकि हमारे पास रस्सी कितनी है 25.12। तो लिखेंगे लेंथ ऑफ कॉर्ड लेफ्ट विद प्रज्ञा, पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पाइप माइनस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ सर्कुलर पाइप माइनस पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। तो 9.12 सेंटीमीटर की लंबाई की कॉर्ड बच गई है, इसका मतलब ये कहने का है। ठीक है ना। अच्छा, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एडजोइनिंग फिगर रिप्रेजेंट्स अ रेक्टेंगुलर लॉन विद अ सर्कुलर फ्लावर बेड इन द मिडल। एक ये रेक्टेंगुलर लॉन है जिसकी लंबाई 10 मीटर और चौड़ाई 5 मीटर, लेंथ 10 मीटर और ब्रेथ 5 मीटर दी गई है बच्चों। ठीक है, अब बीच में क्या है? एक फ्लावर बेड है। बीच में क्या है? बीच में ये एक फ्लावर बेड है। ठीक है, सर्कुलर फ्लावर बेड है एक लॉन के बीच में। ठीक है, फूलों का एक बगीचा कह लीजिए। ठीक है, तो या क्यारी कहिए, है ना। तो ये क्या कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द होल लैंड, पूरी जमीन की का एरिया क्या हो जाएगा? इस रेक्टेंगल के एरिया के बराबर हो जाएगा। अच्छा, द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, फ्लावर बेड का एरिया क्या हो जाएगा बच्चों? सर्कल का एरिया जिसका रेडियस आर क्या दे रखा है? 2 मीटर दे रखा है, आसानी से निकाल सकते हैं। फिर पूछा है द एरिया ऑफ द लॉन एक्सक्लूडिंग, को छोड़कर, ठीक है, को छोड़कर, एरिया ऑफ लैंड एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, फ्लावर बेड को छोड़कर जो एरिया है वो क्या होगा? तो सीधी सी बात है, पूरे लॉन के एरिया में से आप सर्कल का एरिया घटा देंगे तो ये जो आपका ब्लैंक स्पेस है ना, ये ब्लैंक स्पेस का आपको क्या मिल जाएगा? एरिया मिल जाएगा, बड़ी आसानी से, है ना, ये
ब्लैंक स्पेस ये वाला है ना, ये वाला ब्लैंक स्पेस, ठीक है ना। अच्छा तो आप आराम से लिख सकते हैं क्वेश्चन को। देखिए, लेंथ ऑफ लॉन 10 मीटर, ब्रेथ ऑफ लॉन 5 मीटर, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन लेंथ इनटू ब्रेथ तो 50 मीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब एरिया ऑफ फ्लावर बेड, एरिया ऑफ फ्लावर बेड 2 मीटर का रेडियस का सर्कल है, तो आर की वैल्यू हमारे पास क्या है, आर हमने स्मॉल आर लिख दिया, रेडियस आर इज इक्वल टू 2 मीटर, तो पाई आर स्क्वायर है कि नहीं, पाई गुणा आर गुणा आर है कि नहीं, 3.14 इंटू 2 इंटू 2 है ना। आर स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आर इंटू आर, 3.14 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। तो सॉल्व करके हमारे पास क्या आया, 3.14 इंटू 4 यानी कि 12.56 मीटर स्क्वायर एरिया आया। पूरे लॉन का एरिया क्या आया था, 50 मीटर स्क्वायर है ना, लेंथ इनटू ब्रेथ करके। तो आप देखिए, एरिया ऑफ लॉन एक्सक्लूडिंग द एरिया ऑफ फ्लावर बेड, तो को छोड़कर, फ्लावर बेड को छोड़कर एरिया क्या होगा, तो आप सीधा सीधा लिख देंगे कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लॉन माइनस एरिया ऑफ फ्लावर बेड, 50 माइनस 12.56, तो आया 37.44 मीटर स्क्वायर है ना। आपको डेसिमल नंबर्स, एक होल नंबर में से डेसिमल नंबर घटाना आता ही होगा है ना, 50.00 करेंगे है कि नहीं, और -12.56, ठीक है ना। ये कैलकुलेशन आपको समझ में आ रही होगी है ना, सबट्रैक्ट करना आता ही होगा है ना, होल नंबर में से डेसिमल नंबर घटाना, तो आप उतने जितने प्लेसेस के बाद डेसिमल है उतने ही जीरो आप लगा दीजिए, 50.00 लिख सकते हैं। 10 माइनस 6 4, यहाँ बचा 9, 9 माइनस 5 4, यहाँ बचा 9, तो 9 माइनस 2 7, और यहाँ पर एक कैरी यहाँ चला गया है ना, तो यहाँ 4 बचा, 4 माइनस 1 3, तो 37.44 मीटर स्क्वायर। फिर पूछता है सरकमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड भी बताइए, ठीक है। तो सरकमफ्रेंस ऑफ फ्लावर बेड 2 पाई आर, 2 इंटू 3.14 इंटू 2, तो 12.56 मीटर, जिसका जितना उसका एरिया है उतना ही उसका सरकमफ्रेंस भी आ रहा है। सरकमफ्रेंस मतलब ये बाउंड्री है ना, एरिया मतलब बाउंड्री के अंदर का जो है वो एरिया कहलाता है ना। पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस का एरिया मीटर में, एरिया का यूनिट सॉरी, सर्कमफ्रेंस का यूनिट मीटर में और एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर में, वर्ग मीटर है ना, क्योंकि आर इंटू आर होता है ना, मीटर इंटू मीटर, इसलिए मीटर स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पे एक ही आर होता है इसलिए मीटर आया, ठीक है। अच्छा अब हम चलें क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। इन द फॉलोइंग फिगर्स, इसमें दो फिगर्स हैं, एक फिगर ये है एक फिगर ये है, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना है। तो आप सीधा सा समझिए, पहले तो हमें ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इनटू हाइट है कि नहीं, तो 1/2 इनटू बेस इनटू हाइट। तो आप देखिए, शेडेड पोर्शन का एरिया निकालना होगा तो क्या करेंगे, एक बड़े रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया आप निकाल सकते हैं, 18 साइड है और 10 साइड है ना, लेंथ और ब्रेथ। इसके एरिया में से आप इस ट्राइंगल का एरिया यानी कि ट्राइंगल ई बी सी का एरिया और ट्राइंगल ए ई एफ का एरिया घटा देंगे, किसमें से, इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से, तो आपको शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। अब आप ऐसे ऐसे समझिए ना, आप एक कागज पर एक रेक्टेंगल बनाइए, ठीक है, उस पर जो है ऐसे मार्क करके कोने में दो ट्राइंगल इस तरह से बना लीजिए। तो आप जब देखेंगे इनको, जब इस ट्राइंगल को काट देंगे और इस ट्राइंगल को काट देंगे, तो अपने आप ही शेडेड पोर्शन का एरिया मिल जाएगा। किसमें से, किसमें से काट देंगे, रेक्टेंगल के एरिया में से। तो अब ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। अगर मान लीजिए ये बेस है तो ये क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से यहाँ अगर ये, इसको अगर हम बेस माने तो ये हाइट हो जाएगा, क्योंकि रेक्टेंगल के कोने क्या है, 90 डिग्री पे मिले होते हैं है ना, 90 डिग्री है ना ये, तो इसलिए बेस और हाइट आपको मिलेगा बड़ी आसानी से, 1/2 इंटू 6 इंटू 10। तो सॉल्व करके 2 से 6 3 टाइम्स कटा तो 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह से ट्राइंगल ई बी सी का एरिया, 1/2 इंटू 8 इंटू 10, तो 2 से 8 4 टाइम्स कैंसिल हुआ, तो 1/2 में से 2 4 से 8 से कट गया है ना, 2 4 जा 8, तो 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ओके तो इसका एरिया आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आपके पास आया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका एरिया आया आपके पास 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर आया, ठीक। तो अब आप रेक्टेंगल का एरिया निकाल लीजिए, रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया निकाल लीजिए, इस ए बी सी डी का एरिया निकालिए, लेंथ इंटू ब्रेथ 18 इंटू 10, ये लेंथ है और ये ब्रेथ है, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन, ये क्या है, शेडेड पार्ट है, ये क्या है, शेडेड पार्ट है। आप देखिए ई एफ डी सी, ई एफ डी सी, ये
ट्रायंगल रेक्टेंगल के एरिया में से इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया घटा दीजिए, तो माइनस एरिया ऑफ, यहाँ एरिया लिख दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईएफ एंड एरिया ऑफ ट्रायंगल ईबीसी का जोड़ कर दीजिए, ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, है ना, इन दोनों के एरिया को जोड़ के रेक्टेंगल के एरिया में से घटा दीजिए। 180 माइनस 30 प्लस 40 तो 110, 180 माइनस 70 तो 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऐसे कर सकते हैं या आप ऐसे कर लीजिए, 180 माइनस 30 माइनस 40, ऐसा भी तो कर ही सकते हैं, है कि नहीं। इसमें हमने क्या किया है, इसमें एरिया को जो है माइनस कॉमन ले लिया तो ये अंदर प्लस हो जाता है, ये ऐसा किया है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का सम कितना आया आप खुद देख सकते हैं, 30 प्लस 40 70, और ये 180 था रेक्टेंगल, तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर में से 70 सेंटीमीटर स्क्वायर घटा देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, एक आवश्यक सूचना आपको देनी थी बच्चों, जेएनवीएसटी अगले वर्ष अगले सत्र के लिए जेएनवीएसटी का एग्जाम 10 अप्रैल 2021 को तय हुआ है, तो उसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जा रहे हैं, ठीक है। इस बार जो सर्टिफिकेट है ऑनलाइन फॉर्म में जो अपलोड करना है, जो फॉर्म है वो जो है आपको प्रिंसिपल के स्कूल प्रिंसिपल के साइन या सील की आवश्यकता नहीं है, कक्षा 5 में जहाँ बच्चा पढ़ा है उस स्कूल के, उसमें केवल पेरेंट्स के साइन, बच्चे के साइन और पासपोर्ट के साइन समेत फॉर्म अपलोड किया जा सकता है। नियरेस्ट सीएससी सेंटर में जाके आप जेएनवीएसटी का फॉर्म भर सकते हैं। जेएनवीएसटी की वेबसाइट navodaya.gov.in में उसका लिंक आपको दिया गया है, तो आप सीएससी नजदीकी सीएससी सेंटर में जाके उस फॉर्म को भरवा सकते हैं। तो आप जागरूकता फैलाइए, क्योंकि 15 दिसंबर अंतिम अंतिम डेट है, लास्ट डेट है उसकी फॉर्म भरने की, तो ऑनलाइन सबमिशन के लिए आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से संपर्क करें। अगर आप संपर्क नहीं कर पाए तो अपने आसपास के प्राइमरी स्कूल या स्कूलों के प्रिंसिपल्स के नंबर हमें दीजिए या उनके पेरेंट्स के नंबर हमें दीजिए, हम उनसे संपर्क करेंगे, ठीक है, या आप उनको जागरूकता फैलाएं। पिछले वर्ष भी मुंशियारी ब्लॉक से बहुत ज्यादा फॉर्म आए थे, तो हम उम्मीद कर रहे हैं इस बार भी फॉर्म आएंगे, ठीक है। अब आप देखिए, ये मैसेज मैंने ग्रुप में भी सर्कुलेट किया है, ठीक है, अच्छा, आपका सहयोग अपेक्षित है। अब है क्वेश्चन नंबर 2 में, ये एक भाई एक स्क्वायर है भाई, देखिए यहाँ पे ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है हमने, मैं इसको शेड कर दूं तो ये शेडेड पार्ट का एरिया निकालना है कि नहीं। तो इस बार भी क्या करेंगे आप, स्क्वायर के एरिया में से क्या घटाएंगे, ये स्क्वायर है पी क्यू आर एस, है ना, ये 10 10 20 सेंटीमीटर है यहां से यहां तक के, और ये भी 20 सेंटीमीटर है, तो ये इसका मतलब स्क्वायर है, तो स्क्वायर में से आपने ट्राइंगल क्यू आर यू का एरिया घटाना है, ट्राइंगल टी पी क्यू का एरिया घटाना है, और इसी तरह से ट्राइंगल एस टी यू का एरिया निकालना है, घटा देना है। स्क्वायर के एरिया में से इन तीनों का एरिया घटा दीजिए, ठीक है। अब आप देखिए, अब आप कहेंगे सर इसका साइड तो पता ही नहीं, देखिए पी क्यू ये स्क्वायर है तो ये भी 20 सेंटीमीटर ही होगा, है ना, अच्छा, क्योंकि ये स्क्वायर है यहां से यहां तक ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर है, ठीक है, यहां से यहां तक ये 20 सेंटीमीटर है, तो ये इतना हिस्सा अगर 10 है तो इतना हिस्सा क्या हो जाएगा, ये भी पीटी भी हमारे पास 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ओके। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एस टी यू 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, अगर इसको बेस है ना, अगर हम इसको बेस कहें और इसको हाइट कहें, ठीक है, बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 10 इंटू 10, तो 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। टी पी क्यू का एरिया देखिए, 1/2 बेस, अगर इसको हमने बेस कह दिया और इसको हाइट कह दिया, तो 1/2 10 बेस इंटू हाइट दैट इज 20, तो 2 से 10 5 टाइम्स कटा तो 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। क्यू आर यू का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया निकालिए, स्क्वायर के एरिया में से तीनों ट्राइंगल्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तीनों ट्राइंगल्स के एरिया का सम सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आ गया 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन बचता है, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 में भी कुछ नहीं है, ये एक ट्राइंगल एबीसी है, ये ट्राइंगल एसीडी है, इस क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया अगर आपको निकालना हो तो दोनों ट्राइंगल्स का एरिया ऐड कर दीजिए, तो आप देखिए ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी 1/2 बेस इंटू हाइट, ठीक है, तो 33, एरिया ऑफ एडीसी ये भी 33 आएगा, तो दोनों का सम कर दीजिए, क्वाड्रिलेटरल का एरिया आ जाएगा।